हेलो वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल आदित्य इन्फोटेक। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनीडेस्क की नोटिफिकेशन को हम कैसे हाइड करें। जब हम किसी का रिमोट अपने फ़ोन में लेते हैं तो उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है कि आपके फ़ोन में एनीडेस्क रन कर रहा है, तो उसको पता लग जाता है। जैसे कि मैं इसका रिमोट लेने वाला हूँ, अभी देख मैं आपको करके बता रहा हूँ। जैसे मैं अभी इसका रिमोट लूँगा अपने कंप्यूटर से, तो ये एक्सेप्ट करने का समय आता आता है, ठीक है। तो जैसे हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए, ये देख पा रहे हैं आप, ये नोटिफिकेशन उसके फ़ोन में आती है कि किसी ने आपका रिमोट ले रखा है, यानी कि कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड, और जिसका नाम है चौहान जो भी है उसका नाम आता है कि किसी बंदे ने आपका रिमोट ले रखा है, ठीक है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि इस चीज़ को हम कैसे हाइड करें ताकि उसको पता चल पाए कि उसने आपका रिमोट ले रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सारी सेटिंग आपको इसी फ़ोन में करनी है, जो दूसरा फ़ोन है जिसका रिमोट आपने ले रखा है उस वाले फ़ोन में सेटिंग करनी है आपको, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है, आप वीडियो को पूरा देखिए तभी आप समझ पाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है एप्लीकेशन में, ऐप्स में जाना है। दूसरे फ़ोन में अगर जाने का रास्ता हो सकता है, इस फ़ोन में ऐप मैनेजमेंट दे रखा है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे हम ऐप्स पर। ऐप्स पर क्लिक करने के बाद हम जाएंगे एनीडेस्क पर, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आएगा, बैटरी वैटरी सब ऑप्शन आएगा सारा। तो यहाँ लिखा है फ्रेंड्स मैनेज नोटिफिकेशन, आप देख पा रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे हम। इसे हम कर देंगे अलार्म नोटिफिकेशन, बाय डिफॉल्ट ये ऑन रहता है, इसको हम कर देंगे यहाँ से ऑफ, ठीक है। तो जैसे हम उसको ऑफ़ कर देते हैं, अब देखते हैं क्या नोटिफिकेशन जा रही कि नहीं जा रही। तो मैं इसको नीचे करता हूँ, तो जैसे मैं नीचे करता हूँ मैं देखता हूँ कि वहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं जा रही, लेकिन अभी भी जो रिमोट है उस बंदे ने ले रखा है, मतलब इस क्लाइंट ने अभी भी इसका रिमोट ले रखा है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आ रही। तो जो मेरा मोटिव था, जो मेरा उद्देश्य था, वो यहाँ पर पूरा हो गया कि इस फ़ोन में उसके फ़ोन में जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आ रही। आपने क्या कर दिया, उसको हाइड कर दिया। अब देखिए दोस्तों, पहला काम तो आपने ये हाइड कर दिया, ठीक है। आपने मैनेज पे गए यहाँ पे और आपने उसको यहाँ से हाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जाने का छोड़कर रास्ता ये भी हो सकता है कि जो एप्लीकेशन है एनीडेस्क उस पर उसको दबाए रखिए, फिर जाइए ऐप इन्फो, ये इसका सेकेंड शॉर्टकट रास्ता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो उसकी परमिशन है, अगर आपको उसको उसके कंप्यूटर उसके फ़ोन का फुल कंट्रोल लेना है तो परमिशन पर क्लिक कीजिए, जो भी है माइक्रोफोन सब कुछ ऑन कर दीजिए उसके फ़ोन पे जाके, ठीक है। यहाँ कर दीजिए ऑटो स्टार्टअप, यहाँ कर दीजिए फ्लोटिंग विंडोज़, इसे कहते हैं फुल कंट्रोल लेना, है ना, इसे कहते हैं फुल कंट्रोल लेना, ठीक है। पावर स्फीयर पे जाइए, इसमें लिखा है स्मार्ट रेस्ट्रिक्शन ऑफ बैकग्राउंड रनिंग, इसमें क्या करना है आपको, अलाउ रनिंग इन बैकग्राउंड, मतलब है बैकग्राउंड में भी चलता रहे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये होता है इसका, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, ये वाला कर देना, ठीक है, ठीक है, ये वाला कर देना आपको। उसके बाद ये आपने कर दिया, नोटिफिकेशन आपकी हाइड हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए मैं एक बार और रिक्वेस्ट भेजता हूँ, मैं आपको दिखा दूँ कि क्या वाकई में अब नोटिफिकेशन दिखता कि नहीं दिखता। मैं यहाँ से अपने कंप्यूटर से रिक्वेस्ट भेजता हूँ यहाँ से, ये मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद मैं जस्ट यहाँ देखता हूँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं दिख रही है, लेकिन इसने आपका रिमोट ले रखा है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या इसको बंद करने के बाद भी रिमोट उसके पास रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं इसे बंद करता हूँ यहाँ से। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत कम बता पाऊँगा, उसके बारे में और तमाम चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बता पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगी। तो जैसे कि उस बंदे ने अपने फ़ोन को बिल्कुल बंद कर दिया, कोई भी एप्लीकेशन चल नहीं रहा, उसको पता है कि मेरे फ़ोन में कोई भी ऐप रन नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या वाकई में कोई ऐप रन नहीं कर रहा है, जो आपने भी सेटिंग करी है उसके बैटरी की, उसके फ्लोटिंग विंडो की, जो आपके उसके ऑटो स्टार्टअप की जो आपने सेटिंग करी है, तो क्या वाकई में रन नहीं कर रहा है उसके फ़ोन में, देखें। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख पाएंगे कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड, आदित्य चौहान इज़ विमिंग योर नाउ योर एनीडेस्क, मतलब ये बंदा अभी भी आपका रिमोट देख पा रहा है लेकिन आपको पता नहीं है, ठीक है। ये देखिए अभी वो देख पा रहा है लेकिन उसको आपको पता नहीं है, उसको पता नहीं है कि उसके फ़ोन में ये चल रहा है। ये देखिए मैं इसे काटता हूँ यहाँ से, अगर वो काट भी देता है लेकिन क्या हुआ काटने से, कुछ नहीं हुआ, अभी उसने आप जो रिमोट है वो उसने ले रखा है। तो ये थी बात इसके बारे एनीडेस्क के बारे में, और इसके बारे में और भी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दे पाऊंगा, अभी वीडियो लेंदी हो जाएगी, 5 से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, किसी को इसकी आवश्यकता है उसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई अगर सवाल हो तो मैं आपका जवाब जरूर दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।